हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच नए पहल कार्यक्रम के अंतर्गत अर्थात आप सभी द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के क्रम में आज उत्तर देने वाली हूँ आप सभी के प्रश्नों का। तो पहला क्वेश्चन है कि नगरीकरण और एग्रीकल्चर के लिए कहाँ से पढ़े। फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे बेस्ट जो सोर्सेज है नगरीकरण और एग्रीकल्चर के लिए वो है बौद्धिक प्रकाशन का परीक्षा वाणी। जी हाँ फ्रेंड, बौद्धिक प्रकाशन का जो परीक्षा वाणी आता है मार्केट में उसको आप पढ़ लीजिए, वो काफ़ी बेहतर विकल्प है। स्वयं मेरे द्वारा भी उस किताब का प्रयोग किया गया था और अच्छा खासा आंसर सही किया गया था, बल्कि मतलब कि कुल मिला के अल्टीमेट किताब है और आपके लिए भी काफ़ी बेहतर है। अब आते हैं नेक्स्ट कि टेस्ट सीरीज कैसे सॉल्व और कौन से इंस्टीट्यूट या वैगनिन या अल्टरनेट डी पर और क्वेश्चन जीएस के लिए प्रीवियस ईयर घटना चक्र पढ़ रहे हैं और ये कुछ बुक्स। फ्रेंड्स, इसके संबंध में बताना अर्थात सॉल्व पेपर के संबंध में मैं फिर आप सभी को बताऊंगी। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर के पेपर यदि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, विगत प्रश्नों को हल कर रहे हैं तो घटना चक्र का पूर्वावलोकन पर्याप्त है। जी हाँ फ्रेंड्स, घटना चक्र का पूर्वावलोकन पर्याप्त है, उसको आप पढ़ें, अल्टीमेट सोर्सेस के रूप में है, प्रैक्टिस करें। उसका फ़ायदा ये है कि आप यदि घटना चक्र के पूर्वावलोकन का अध्ययन करेंगे, सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन को, तो फ़ायदा ये होगा कि आप विगत वर्षों के प्रश्नों से रूबरू हो जाएंगे। परीक्षा का क्या पैटर्न है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है, किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस टॉपिक को किस तरह से बार बार विभिन्न रूपों से पूछा जा रहा है, इन सभी चीज़ों से आप अवगत हो जाते हैं। और ख़ास बात है कि आप क्वेश्चन पेपर लगाने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए, अगर मान लीजिए हिस्ट्री का आप सिंधु घाटी का सभ्यता पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन लगाने वाले हैं घटना चक्र के पूर्वावलोकन से, तो सबसे पहले जिस किताब से आप तैयारी कर रहे हैं इतिहास का, तो उस टॉपिक को आप पढ़ें सिंधु घाटी सभ्यता का, फिर आप घटना चक्र के पूर्वावलोकन से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसको सॉल्व करिए। आप खुद देखेंगे कि आते हुए क्वेश्चन आपका गलत हो गया। उसका कारण क्या है, जब आप किताब में पढ़े होते हैं तो आप एक सरसरी तौर पे वो दृष्टिकोण डेवलप नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो दृष्टिकोण तब डेवलप और अच्छे से हो जाता है जब तुरंत आप क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए, घटना चक्र का पूर्वावलोकन पर्याप्त है, बशर्ते आप किताब ढंग से पढ़िए। फ्रेंड्स, मैं बार बार कहती हूँ कि प्रीवियस ईयर के पेपर से सफलता प्राप्त नहीं किया जा सकता है, बस वो मार्गदर्शन प्रदान करता है, वो एक गाइडेंस प्रदान करता है। आपको सफलता प्राप्त करना है तो अवश्य ऑथेंटिक पुस्तक से अपने सब्जेक्ट अपने टॉपिक की तैयारी करनी होगी। नेक्स्ट है कि स्टेटमेंट और रीज़न वाले है, ये रीज़न वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है। प्लीज़ आप फ्रेंड, इसके लिए मैं आप सभी को कहूँगी स्टेटमेंट एंड रीजनिंग आदि के लिए जो क्वेश्चन वगैरह होते हैं, कथन कारण, तो इसके लिए आप सबसे बेस्ट है कि आप क्या करें, इसके लिए कोई विशेष तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए आप क्या करें कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसमें आप देखें किस प्रकार से आपके कथन कारण वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जो कथन कारण के क्वेश्चन होते हैं वो आपके होते हैं कि पहला सही है, दूसरा सही है, तो आपका पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है, कथन कारण को सही करता है। जो दूसरा आपका होता है, कथन सही है और कारण गलत होता है, वे कैसे निर्धारित होता है, फैक्ट से और विश्लेषण से। संबंधित टॉपिक का यदि आपका फैक्ट और ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप इसका उत्तर दे पाते हैं। तो प्रीवियस ईयर का पेपर सफिशियंट है बस प्रैक्टिस के लिए, अदरवाइज आपको संबंधित टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फैक्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर ओ ए आर ओ के डेली पढ़ाई का रूटीन कैसे बनाया जाए। फ्रेंड्स, ऑलरेडी मेरे द्वारा इसके संबंध में बताया जा चुका है, फिर भी मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि यदि आप आर ओ ए आर ओ की पढ़ाई के लिए रूटीन बनाना चाहते हैं, तो यदि आप तो कहीं अन्य सेवारत नहीं हैं तो आप क्या करें कि
अपने डेली रूटीन में टोटल टाइम इस पढ़ाई को ही दीजिए, क्यों अगर लक्ष्य है सफलता प्राप्त करना तो अच्छे से तैयारी करना। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि लक्ष्य है सफलता प्राप्त करना तो अच्छे से तैयारी करना, और ये तब होगा जब टोटल समय आप दीजिए। यदि आप 15 घंटा सामान्य अध्ययन की तैयारी करते हैं तो 1 घंटा आप हिंदी को दीजिए प्रारंभिक दौर में, फिर सेकेंड फेज़ में हिंदी को और कम करें, और जो आप GS को दे रहे हैं उसमें आप सब्जेक्ट वाइज वेटेज को डिवाइड करें, जैसे कि करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगभग 1 से 1.5 घंटा का समय दीजिए। जो छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं जैसे इकोनॉमी हुआ, इन्वायरमेंट हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, सेंसेस हुआ, UP हुआ, इन सबको आप 45 से 1 घंटा का समय दे सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आप टाइम टेबल अपना क्रिएट करें। आने वाले समय में मेरे द्वारा आप सभी को एक स्पेशल स्ट्रेटजी टाइम टेबल पर बता दिया जाएगा, ताकि आप सभी इसको फॉलो करें और अवश्य ही और भी आपके राह जो है आसान हो जाए। और इसी के साथ फ्रेंड्स, आज का ये क्वेश्चन का जो सिलसिला है मैं संपन्न करती हूँ। नेक्स्ट क्लासेस में आप सभी के बीच इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप सभी के बीच दिया जाएगा।